कर्ता पुरख निरभउ निरैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद दंडौत बंद अनिक वार सर्व कला समरथ डोलन दे रखो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए तुमरी शरण तुमारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले रखो राखन हार दयाला नानक करके गोले रखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दी हजूरी विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जी बड़भागे हाँ सत संगत दे महान तीर्थ ते पहुंचे हाँ अपनिया सुरतियां नू एकागर रखते हुए आपस विच पाईए फतेह दी सांझ प्रेम ते सत्कार नाल सारी संगत बोलियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ साध संगत सत संगत दीयां अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां थोड़े क समय दे विच आपां गुरबाणी नू समझण वास्ते कुछ नुकते है इन्हां नुकतियां दी आपां विचार करांगे क्योंकि गुरबाणी नू अर्थां समेत समझना ही सतगुर जी दा धन है। प्रमाण लै लो तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार विचार दे राजुशियारी है विचार दोबारा दर्शन करना है उन्हां दा परमात्मा नाल प्यार पै जांदा है जिहड़े विचार दोबारा दर्शन करदे है। सिद्ध होया जी शब्द दी विचार ही गुरु दा दर्शन है। होर प्रमाण लै लो सतगुर नौ सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो वही जिचर शब्द ना करहे विचार। भाई इन्हां वारलियां अखां दे नाल तां हर कोई वेख लैंदा सतगुर नूं सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार जिन्ना जगत है जिन्ना संसार है जिन्नी दुनिया है इन्हां वारलियां अखां नाल सब कोई वेख लैंदा डिठे मुक्त ना हो वही इन्हां अखां दे नाल वेख के ही मुक्ति नहीं हो जाती। अखां की वेखदियां अखां वध तों वध मूँह मत्था वेख सकदियां इन्हां अखां दे नाल वेख के मुक्ति नहीं हो जाती क्यों क्योंकि गुरु वेखण दा विशा नहीं गुरु सुनण दा विशा है। ध्यान ला के सुनना ही गुरु जी दा दर्शन है। डिठे मुक्त ना होवेगी जिचर शब्द ना करहे विचार। जिन्नी देर असीं गुरु दे शब्द दी विचार नहीं करदे उन्नी देर सानू गुरु दा दर्शन नहीं होया। इस करके गुरु दा दर्शन करना जरूरी है भाई ते शब्द दी विचार ही गुरु दा दर्शन है दृढ़ हो गया आपां नूं। होर एक प्रमाण लै सकदे हो कबुद्ध मिटै गुर शब्द विचार। गुरु दे शब्द दी विचार द्वारा साडी खोटी मत दूर हुंदी है। पढ़ना शुरुआत है पढ़ के खोटी मत नहीं दूर होंगी। पढ़िया ना ही भेद बुझिया पावना पढ़िया मैल ना उतरे पुछ हो ज्ञानियां जाए पढ़ थाके शांत ना आई है। हाँ पढ़ना शुरुआत कह सकते हाँ शुरुआत कह सकते हाँ जिमें कि उदाहरण दे दें आप बच्चों की कहेंगे भी बेटा जे तुसी ऊड़ा आड़ा सीख गए ना समझ लो फिर तुसी पंजाबी सीख गए यही कहना पैना है। पूरा उन्होंने स्पिरिट भरनी पैंदी है फिर की होया बच्चा ऊड़ा आड़ा सीख गया जिस वेले ऊड़ा आड़ा सीख गया रट्टा लग गया फिर की कहना पिया उन्होंने गति देने वास्ते ऊड़ा आड़ा सीखे तो कुछ नहीं हुंदा जे तू भलावें अखर ना सीख्या उन्होंने गति देने वास्ते पहला नालों उल्ट कहना पै गया ना
फिर की है भलावें अखर सीख गया उसकी सुरत में पैंती वस गई भी तुम कोई अखर लिखो टहका पाता उन्हें बुझता टहका तो सिरे तो नहीं आता भी उड़ा आड़ा आई डी ससा हा इदा जा के ना उन्हें डायरैक्ट ही बुझ लिया जो उन्होंने कह दिता ढड्डा पा उन्हें पा दिता सिद्ध हो गया भी उसकी सुरत में वस गए अखर उदाहरण है सिर्फ फिर की होया फिर उन्होंने गति देने वास्ते कहना पाया भलावें अखर सीख के भी कुछ नहीं होंगे जे तू महारनी ना सीख्या गति देने वास्ते कहना पै गया ना जो सीख गया फिर उन्होंने दसिया कि आ सीख दे अ आ ए ई ओ ऊ ओ औ अं इदा कहण का भाव की है फिर वो शुरू किया उन्हें कक्के नू कन्ना का रारा र कार ये सीखे ना अपना सारे हौली हौली की होया बस सहज बन गया सौखी गल समझ आ गई सहज की हूँ सहज ही पढ़ी जाते हाँ अपना सहज ही अखा दे अगे आद्या ही लिखता बाकी क्योंकि सारा कुछ बस गया इदा कह भाव कि शुरुआत तो ठीक है पर पढ़न तो रुक नहीं जाना पढ़न तो रुक नहीं जाना गुरबाणी को समझना अति जरूरी है पढ़ना शुरुआत है इस कोई शक नहीं सो कबुद मिटै गुर शब्द विचार गुरु जी के शब्द की विचार द्वारा साड़ी खोटी मत दूर होंगी है सतगुर भेटै मोख द्वार शब्द की विचार ही सतगुर जी का मेल है भेट का अर्थ की होंगे भेट कह लो मेल कह लो मिलाप कह लो मुलाकात कह लो शब्द की विचार द्वारा साडा सतगुरु जी के नाल मेल होंगे सतगुरु जी नाल साडी मुलाकात होंगी है मोख द्वार जो असी सच्चे ज्ञान मुताबक जीवन जिउंदे हाँ तां सानू शरीर च रहिंदिआं ही मुक्ति का दर मिल जाता है असी जीवन मुक्त हो जाते हाँ इस करके शब्द की विचार करनी अति जरूरी है सब सह उपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदौना सगली शार चलो आओ हुण गुरबाणी नूं समझण वास्ते कुछ नुकत्यां वाला दस तुहाडा ध्यान दिवाउंदा है कुछ नुकत्यां ते सारे नुकत्यां ते विचार नहीं हो सकनी क्योंकि ये ज़्यादा विशा लंबा है पहली गल तां इह है गुरबाणी नूं समझण वास्ते कि गुरबाणी काव्य भाषा दे विच है ते काव्य भाषा का भाव अर्थ हुंदा है अखरी अर्थ नहीं हुंदा भाव अर्थ हुंदा है पहला नुकता तो यह समझना जरूरी है जिवें कि एक दो दो प्रमाण दिंदा जावां जिस तरह हुण गुरबाणी विच लिखिआ है बकरी सिंह एक तै थाए राखे अखरी अर्थ की बन गया भी परमात्मा जी ने बकरी ते शेर एक थान के उत्ते रखे हुए है वह थान लगो कि गुरबाणी तो हुण गलत नहीं हो सकती गुरबाणी तो सच है पर इहदा भाव अर्थ है बकरी ते शेर एक थान ते रखे हुए है परमात्मा ने वह थान लगो कि इत्थे भी है वह थान हाजिर है भाव आपां सारे आ शेर ते बकरी कथां दे उत्ते रखे हुए उन्हें आ देही पंज तत्त है ना शरीर दे मिट्टी पानी हवा अग आकाश पंजे तत्त एक दूजे विरोधी शेर बकरी का भाव अर्थ की बन गया एक दूजे के विरोधी जिवें शेर बकरी नूं खा जांदा है इदां ये साडी देही दे पंजे तत्त एक दूजे के विरोधी है मिट्टी पानी विच घुल जांदी है पानी नूं अग साड़ दिंदी है अग नूं हवा उड़ा के लै जांदी है हवा आकाश विच समा जांदी है पर जिनी देर परमात्मा की जोत साडे अंदर है ये तत्त एक दूजे नाल घुलदे मिलदे नहीं लड़दे नहीं अपना अपना काम करदे आ ते देही साडी कंचन वर्गी है जोत उडारी मार जांदी है तुहानू पता फिर बॉडी प्रिजर्व करनी पैंदी है उचेची संभाल करनी पैंदी है कोई प्रिजर्वेटिव पाउणा पैंदा है कहण दा भाव इदां हुण सानू भाव अर्थ समझ आ गया जिस तरह एक दो प्रमाण होर दे देवां जिस तरह गुरबाणी विच लिख दिता घर की विलाई आवर सिखाई मूसा देख डराई वे पहला अखरी अर्थ फिर भाव अर्थ हाँ जी अखरी अर्थ ना समझ में आए तो भाव अर्थ कदी भी समझ में नहीं आ सकता यह कहा जा सकता है कि भाव अर्थ समझने वास्ते अखरी अर्थ का पता होना जरूरी है हुण की लिखता बाणी दे विच घर की बिलाई आवर सिखाई घर की बिलाई घर की बिल्ली इन्हें होर तरह की सिक्ख्या ले ली आवर सिखाई मूसा देख डराई रे मूसा कहिंदे चूहे नूं घर दी बिल्ली होर तरह की होगी किस तरह की होगी कि चूहियां नूं देख के डरन लग पी घर दी बिल्ली चूहियां तों डरन लग पी हुण जे आपां भाव अर्थ ना समझिया
तो आपां नूं इह लगेगा वी तां गल उल्टा है वी बिल्ली नूं की हो गया, बिल्ली ने इहो जिही सिक्ख्या किहड़ी लै ली वी चूहिआं तों डरन लग गई। अखरी अर्थ तां इही आ ना, हुण जे भाव अर्थ ना समझीए तां ग्यान तां कोई नहीं मिलिआ। ज्ञान तो की मिलना, सगो शंका जहा हो गया होगा भी आह उल्ट जी गल है, है बिल्ली चूहे तोड़न लग गई। हुण इहदा भाव अर्थ की है, घर की बिलाई की है। जिनी देर साढ़े को गुरु की मत नहीं, साड़ी सुरत अखा दे राही बिल्ली की तरह वेखदी है, पराए तन वाल पराए धन वाल बिल्ली देखती होंगी ना। साड़ी सुरत है जिहड़ी ये बिल्ली वाली है, असीं बिल्ली की तरह ललचाइयां नज़र वेखते हाँ, ललचाइयां नज़र वेखते हाँ। क्यों? साड़ी जिहड़ी सुरती है बिल्ली वर्गी है, नीवे पद्धर की व्यक्ति है। हुण घर की बुलाई का अर्थ की हो गया, साड़ी सुरत शरीरक सुरत है जिहड़ी ये अखां दे राही ललचाइयां नज़र वेखती है, ललचाइयां नज़र दे नाल। पर जदों गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इन्हें हुण होर सिक्ख्या ले ली, बाणी तो सिक्ख्या ले ली, गुरु तो सिक्ख्या ले ली, ये जिहड़ी व्यक्ति सी इह ब्रह्म व्यक्ति बन गई। हुण की रहा? मूसा कहिंदे ने पराई अमानत नूं अखरी अर्थ चूहा, जिवें बिल्ली चूहिआं नूं भज भज पैंदी है, इदां पहलां साडी व्यक्ति इदां सी, असीं पराई अमानत नूं भज भज पैंदे सी। पराई अमानत नूं आह वी मेरे कोल होवे, आह वी मेरे कोल होवे, पर हुण की होया? हुण पराई अमानत रूपी चूहे तों साडी व्यक्ति पिछे हट गई। हुण असीं पराए तन ते पराए धन की पकड़ छड दित्ती, पिछे हट गई वी ना ना, इह ते मेरा कोई हक नहीं। इदा कहण दा भाव ये सुरत का बदलाव है, भी व्यक्ति उल्ट गई, पहला भज भज पैंदी सी पराई अमानत नूं, ते हुण पराई अमानत की पकड़ छड दित्ती। किड्डा वड्डा ज्ञान मिल गया। इदा जाने कि सारी गुरबाणी विच इदा है, ये तो सिर्फ एक दो उदाहरण ही दित्तियां जा सकदियां ना कथा दे विच, तां क्यों सीमित समा हुंदा है। इदा गुरबाणी दे असीं भाव अर्थां नूं समझणा है, भाव अर्थ हुंदे ने अखरी अर्थ तों अगे भाव अर्थ विच जाणा अति जरूरी होया करदा है। एक दो होर लै लो, जिवें कि आपां जपजी साहिब च पढ़ते हाँ, समुंद शाह सुल्तान गिरह सेती माल धन, कीड़ी तोलना होवनी जे तिस मन होना बीसर है। अखरी अर्थ करो, हुण अखरी अर्थ यही है, समुंद शाह सुल्तान नाल दी नाल ही भावत समझ लो, शाह समुंदर वर्गा होवे, कोई बादशाह भावें समुंदर की तरह होवे, दो दी गल कीती है इत्थे, एक शाह दी भाव अमीर लोग, एक दुनियावी राजां दी। हुण शाह समुंदर वर्गा होवे भाव अर्थ की, जिवें समुंदर का फैलाव हुंदा है, इदां किसे अमीर बंदे कारोबार दूर दूर तक फैलिया होया होवे, कोई एडा वड्डा अमीर बंदा होवे देसां दसांतरां दे तक उहदा कारोबार चलदा होवे, भाव अर्थ हो गया। हुण कोई राजा समुंदर की तरह फैलिया होवे, भाव किसी राजे दे राज दीआं हद्दां बहुत दूर दूर तक होण, राजे दा राज समुंदर की तरह फैलिया होवे, समुंदर वर्गा राजा होवे कोई, हुण भाव समझ लिया आपां वी राजे दे राज दीआं हद्दां बहुत दूर दूर तक होण, ते किसी अमीर बंदे दा कारोबार दूर दूर तक फैलिया होवे समुंदर की तरह। गिरहा सेती माल धन, किसी अमीर बंदे दे गड़ौना दे विच कह लो ढेर लगे पए होण पदार्थ वाले, गिर कहिंदे ने पहाड़ों, पहाड़ां जिहड़े ढेर लगे पए होण, भाव कि उहदे गदाम भरे पए होण, एडा वड्डा बंदा होवे, ते कोई राजा एडा होवे वी जिहदे खजाने माया नाल भरे पए होण, पहाड़ां जिहड़े ढेर लगे पए होण खजानिआं दे विच माया दे, भाव बहुत माया होवे, कीड़ी तोलना होवनी, वड्डे वड्डे अमीर बंदे ते वड्डे वड्डे राजे कीड़ी की बराबरी नहीं कर सकते। हुण कीड़ी अखरी अर्थ हो गया, भाव आम जिहा मनुख, वड्डे लोगों की निगाह च नहीं होंदे, आम बंदे वी कीड़ी निगाह च नहीं होंदी, निगाह च नहीं होंदी, भाव कोई आम जिहा मनुख जिहड़ा कि अपना कोई छोटी मोटी दुकानदारी करता जां मेहनत मजदूरी करता जां छोटी मोटी कोई नौकरी करता इंपलाई है, पर वह परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है, उन्होंने परमात्मा का नाँ नहीं भुलता, जे तिस मन होना भी सरहे। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े बादशाह उस आम जे बंदे की बराबरी नहीं कर सकते जिन्हों परमात्मा नहीं भुलता। किन्ना ज्ञान मिल गया, किड्डा वड्डा ज्ञान मिल गया भी जिस आम जे बंदे, हुण इत्थे कीड़ी का भाव है आम मनुख, मनुख का अर्थ इसत्री पुरश कोई है,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਕੀੜੀ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਹਣਾ ਵਿਸਰਹੇ, ਜੇ ਉਸ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਵ, ਆਦਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੰਗ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਕਿਆ ਹੈ? ਤੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਜਨੇਊ। ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਨੇਊ ਕਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਨੇਊ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਲੱਗੂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁੱਝੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਵਚਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ 'ਚ ਆਓ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਵਚਨ, ਸੰਬੋਧਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ।
पर इस पंक्ति का सिख वास्ते अर्थ की है? अर्थ फिर इं महसूस हों एक दिन दस बाणी पढ़ता पढ़ता जो टच हुई ना सुरत बाणी के नाल चित हे चित समायता हो गया रंग घना जो अपनी सुरत गुरबाणी के अर्थ भावना टच करती है तो समझ लो साडा चित सतगुर के चित ना जुड़ गया। सतगुर का चित कहड़ा हुंदा जी गुरबाणी का भाव अर्थ। तो जो एक दिन चित जुड़िया मैं अपने ते गल कह दिया तुसीं आपे कर लियो उस दिन फिर मैनूं इदां लग्या भी गुरु नानक बाबा जी मैनूं कह रहे है पंथ प्रीत ये सच नाल नहीं जुड़िया परमात्मा नाल नहीं जुड़िया तो तेरा भी अर्थ मेरे वास्ते की है क्या कृपाण क्या पग बोलो सतनाम। मैनू एक दिन इदां लग्या भी गुरु बाबा जी मैनूं कहिंदे है। संबोधन हिंदू नूं कीता है याद रखियो पर सिख वास्ते भाव अर्थ गुरबाणी उही है कि समझने की कोशिश करो पर सिख वास्ते दा अर्थ की है जे सच नाल नहीं जुड़िया नानक सच्चे नाम बिना ते सिखा तेरे वास्ते फिर ये कह दिता क्या टिका क्या तग पर तू सिखा की समझना है तू समझना है गुरु बाबा जी मैनू भी कह रहे हैं क्या कृपाण क्या पग। ये प्रचारक कहने की जरूरत नहीं करते स्टेज पर जिसे लड़ना पाओ तुम सोच भी अंका तो कहता और असी तो लाडले पुत्तियां का मतलब असी तो कृपाना पा के जो मर्जी करते रहिए यदा मतलब असी जो मर्जी करते नहीं पर था भाव की हो गया भी जे तू सच नाल नहीं जुड़िया धर्म से लाया तन के उत्ते लाया धर्म का लेवल क्या है जे टिक्का जनेऊ क्या है तो सिखा तेरी भी कृपाण से पग क्या है जो तू सच नाल नहीं जुड़िया इस करके इदा भाव अर्थ में असी लैना जरूरी है भाव अर्थ में लेना जरूरी है भाव के धर्म का लेवल तन ते नहीं लाया जा सकता जे मन करके असी धर्मी नहीं बने मन करके बन गए तो संखेप कह दें भुलेखा कि किसी कन्फ्यूजन ना हो जाए ये पांच ककार है जिन्हों का संबंध मन ना जुड़ गया तो रहत बन गई तन ते कशहरा पहन लिया कशहरी की रहत की है जी करैक्टर चाल चलन ये रहत को मन के टका के रखना है ककार धारण करनी रहत बन गई भुलेखा ना खा जो जे कशहरे की रहत को मन में टका के असी जीवन नहीं ज्यो रहे तो फिर कशहरा पहनिया क्या है दस दो जी करैक्टर चाल चलन पक्के रहना है ककार धारण करनी कड़ा पहन लिया वहम भरम छड़ते धारण कर लिया मन में भी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं करना कड़े की रहत को मन में धर के ज्योना है हथां का बड़ा रोल है जिंदगी ठीक है केस बंदगी करनी है माड़े कामों तो शर्म खानी है से दाड़ियाँ सचियाँ जे गुरचरनी लगन जे तो गुरु के चरणों ना जुड़े हुए हाँ गुरु के चरण किहड़े हुंदे है गुरु का शब्द गुरु का उपदेश हिरदा चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल ये गल अपने पल्ले घुट के बन लो कि गुरु के शब्द को हिरदे च वसाउणा ही गुरु के चरणों हिरदे विच वसाउणा होया करदा है ते जिहड़े तो गुरु के उपदेश नाल जुड़े है सचियाँ दाड़ियाँ तो जे गुरु ना जुड़िया नहीं तो फिर पप्पा भाव तो बुरे काम करना है फिर आप कह दें कि शर्म नहीं तेन आप देखी कि दाड़े लाज ना ला दी जे तू बुरे थावान पर जाके खड़ दें जा बुरा काम कर दें जा झूठ बोल दें फिर तो दाड़ा तेरे जचता नहीं जो तुझी रहत विच नहीं आया गुरु ना जुड़े हुई है बीबियां दाड़ियाँ सचियां दाड़ियाँ तो जो दाड़ा शराब ना ही भेज गया फिर क्या जे हुण असी शर्म ना मन्नी बुरे काम तो फिर तो कुछ नहीं इस करके इदा ये रहत नूं मन विच असी वसाउणा है बंदगी करनी है तो बुरे कामों तो शर्म मननी है ये केसां दी रहत है ये केसां दी रहत है कंघा टुटे केसां नूं पढ़दा है सिक्ख्या देती भी गुरबाणी रूपी कंघा मन विच फेर के टुटे फुटे ख्याल मन दे विचों कढ दे साडे मन दे विच टुट्टे फुट्टे ख्याल नहीं होने चाहिए मन में कोई गुंझल नहीं होनी चाहिए गुरबाणी का कंघा फेरिया कर तो सारिया मन दियां गुंझलां गुरबाणी कढ दिंदियां ये कंघे की रहत नूं असीं अपने मन में टका के रखना है कृपाण ना डरना ना डराउणा है सवाय मान अणख आजादी वाला जीवन जिउणा है इदां कहण दा भाव जे तां ककारां की रहत साडे मन में वस गई तां असीं धर्मी हो गए जे ककार सिर्फ तन दे उत्ते पैणे होए है तो ये ककारां की रहत का साडे मन दे नाल संबंध नहीं बनिया तो फिर सिर्फ भेख बन के रह जाता है। तो गुरु जी बाणी विच कहिंदे जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख ना काहू पीन परमात्मा जी बहुत सियाने ने वो मालक तेनों अंदरों जानता है
ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਹੁ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਆ ਪੱਗ। ਸੰਬੋਧਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਪੱਗ। ਬਸ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵਚਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਵਰਨਾ ਮਾਝਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋ ਦੋ ਨੁਕਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁੱਖ ਫਲ ਪਾਈਐ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ ਕਾਈ। ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ? ਨਾ। ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਬੋਲੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦ ਸਾਈ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ ਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਇਉਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਨਾ ਅਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ, ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਉ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ, ਗੁਰ ਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
उत्तम पुरख विच बोल रहे हैं फस्ट परसन, जिथे फस्ट परसन विच गुरु जी बोलते हैं उत्थे जाने के की है नासकी उच्चारण होंदा जी, याद रखियो। तीर्थ नावन जाओ पाठ करना, जाओ पाठ नहीं करना, जाओ बोलोगे तो सैकंड परसन हो गया भी तुसी जाओ ना, इतने फस्ट परसन जजे नूं करना उड़े नूं औंकड़ा है, जे सैकंड परसन होंदा तो रूप की होना सी, जजे नूं करना हाहे नूं औंकड़ होनी सी, फिर जाओ भी तुसी जाओ। सैकंड परसन की निशानी समझ गए, थोड़ा सीखनी पऊ। इतने की है, इतने उत्तम पुरख है। फस्ट परसन च तीर्थ नावन जाओ, गुरु नानक बाबा जी आपां नूं उत्तम पुरख दे विच बोल के समझा रहे हैं, समझा आपां नूं रहे ने, पर बोल रहे हैं फस्ट परसन विच। गुरु बाबा जी कहिंदे मैं भी तीर्थ ते नहाउण जांदा हाँ, तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। बाबा जी तुसीं भी नहाउण, तीर्थ किहड़ा, फिर कहिंदे तीर्थ नाम है, भाव के मालक परमात्मा नूं अपने कोल महसूस करना ही तीर्थ इशनान है। गुरु बाबा जी आपां नूं समझाउण वास्ते की कहिंदे है, जदों मैं अपने मालक नूं अपने कोल महसूस करदा हाँ बस उस वेले मेरा तीर्थ इशनान हो जाता है, बस यही तीर्थ इशनान है। पांचवें सरूप च कितना कहता, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, परमात्मा नूं याद करदिआं ही तीर्थां दे नाल हो जांदे है। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। फिर तीर्थ है शब्द की विचार करनी, शब्द की विचार द्वारा साढ़े मन की मैल खत्म होंदी है, ये तीर्थ इशनान है। शब्द की हुण जिवें शब्द की विचार आपां कर रहे हाँ, इस वेले आपां तीर्थ इशनान कर रहे हाँ। जिहड़े भी भैन भरा ध्यान ला के बाणी नूं सुन रहे हैं उन्हां दा तीर्थ इशनान हो रहा है। इत्थे आके फिर मन का इशनान होंदा, मन की मैल निकलती है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतरी विज्ञान प्राप्त होंदा है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, जिथे गुरु के ज्ञान की गल हो रही है, शब्द की विचार हो रही है, वह की है सच्चा तीर्थ अस्थान। दोबारा पढ़ो, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, जिथे शब्द की विचार हो रही है इं समझ लो भी वह सच्चा तीर्थ अस्थान बन गया। हूँ जिवें आ सच्चा तीर्थ अस्थान बनया हो इस वेले, सच्चा तीर्थ बनया हो इस वेले, क्यों? क्योंकि गुर ज्ञान की गल हो रही है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसारा, किड्डा वड्डा तीर्थ है। गुरु ध्यान ला के सुनिए गुरबाणी नूं, कहिंदे दसां पुरबां ते दसारे ते सदा दे नहाउण हो जांदे है, जो ध्यान ला के बाणी सुन ली। दस पुरब की है? दस पुरब ये अणमत्ती लोकां ने इशनान करन दे विशेष दिन मन्ने है, भी इन्हां दिनां दे उत्ते तीर्थां ते नहाउणा चाहीदा है। दस पुरब का अर्थ की है जी? दस विशेष दिन किहड़े मन्ने सी सुन लो, दस पुरब संगरांद, पूर्णमासी, मस्या, चानना ऐतवार, सूरज ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, दो अष्टमियां, दो एकादशियां, ये दस विशेष दिन मन्ने सी। इन्हां दिनां ते कहिंदे नहाउण दा विशेष महत्व है, पर गुरु जी कहिंदे सिखा तू ना इस चक्कर च पई। अगे की लिखे है? दसहरा, दसहरा किसनों कहिंदे सी? जेठ सुदी दसवीं, ये उन्हां दी मनौत है कि इस दिन गंगा सुरग तो धरती ते आई सी, मनौत है उन्हां दी, गुरमत नहीं गल मनदी। ते गुरु नानक बाबा जी की कहिंदे भी तू तो यह समझ ला भी जो ध्यान ला के तू गुरबाणी की गलू सुन लिया, रब्बी बाणी सुन ली, तेरे इन्हां दसां पुरबां ते दसहरे दे सदा दे नहाउण हो गए, भाव तेरी जिंदगी विच जिन्नियां संगरांदा आउणी है, पूर्णमासियां आउणी है, मस्या आउणी है, जिन्ने सूरज ग्रहण, चंद्रमे ग्रहण, जिन्ने चानने ऐतवार, जिन्ना भी अष्टमियां एकादशियां आउणी है, तेरी सारी जिंदगी दे इशनान हो गए। जो कि वड्डी गल बाणी च लिखी है, सारी जिंदगी दे नहाउण हो गए तेरे इन्हां दिनां दे, जे तू ध्यान ला के गुरु का ज्ञान सुन लिया, सदा दे नहाउण, सारी जिंदगी दे तेरे इशनान हो गए, सारी जिंदगी दियां तू पूर्णमासियां, मस्या, संगरांदा नहा लईआं जो तू गुरु का ज्ञान सुन लिया। एड्डी वड्डी गल है गुरु, एड्डा वड्डा तीर्थ है गुरु। दोबारा पंक्ति याद करो, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसारा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरनी धरा। धरती दे आसरे परमात्मा जीओ, देहो प्रभ धरनी धरा, धरनी धर का की हुंदा? धरती का आसरा परमात्मा, बस तेरा असं नाम मंगते हाँ। नाम मंगना की हुंदा? नोट करो,
ना मंगण दा अर्थ हुंदा है परमात्मा पासों ही मंग करनी कि मालक जी तुसीं ऐसी कृपा करो मैनू कोल कोल महसूस हुंदे रहो। ना मंगण दा की अर्थ हुंदा है ये मंगना कि परमात्मा जी तुसीं मैनू ना कोल महसूस होवो वी आ मेरा प्यारा मेरे कोल ही है साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा। हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरनी धरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सच तीर्थ मजना। गुरु का पवित्र वचन सुनना ये ना सानू सदा का चानन हो जाता है। सदीवी सोझी कह लो नित सच तीर्थ मजना गुरु का पवित्र वचन सुनना नित सच्चे तीर्थ का इशनान है। दोबारा पंक्ति याद करो गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना नित सच्चे तीर्थ का इशनान है भाई गुरु का पवित्र वचन सुनना यह है गुरमत। हम गुरमत समझ आ गई भाव कि जो उत्थे एक जानी कि तुहानू की पंक्ति पढ़ के सुना दे तीर्थ नहाइया सुख पाइए मैलना लग गया काई उतों जानी कि बड़ा बड़ा मुगालता लग सकता है कन्फ्यूजन हो सकती है। इस करके गुरबाणी के अर्थ इदा नहीं होंगे उत्थे वह गोरख के चेले का ख्याल है। गुरमत ने तीर्थ गुरु नूं मन्ने सुने अठ सठ का इशनान सुने नाणी नूं हुशियारी लग गई जदों हुशियारी लग जाए अर्थ करन वेले जे लग जाता है सुनिया का अर्थ की बन गया जी फिर जे सुन लईए जे रब्बी बाणी नूं ध्यान ला के सुन लईए पुजारी दे कहे होए ठाठ तीर्थां दे नहाउण हो गए। पुजारी कहिंदा ठाठ तीर्थ है पुजारी कहिंदा है पर गुरु जी कहिंदे जे ध्यान ला के सुन ले रब्बी बाणी नूं पुजारी दे कहे होए सारे तीर्थां दे नहाउण हो गए सारे तीर्थां वह कहिंदा ठाठ है चलो साढ़े तां हो गए ठाठ तीर्थ सस्त नहाले जो रब्बी बाणी सुन ली असीं तां नहाले सारे तीर्थ। इदा असी गुरमत को समझने की कोशिश करनी है तां ते गल चली सी हुण गुरबाणी विचों आपां नाल नाल सिधांत भी समझते जा रहे हाँ ते नाल नाल असी सुचेत भी होना है भी गुरबाणी समझने वास्ते एक पूरा प्रकरण समझने की लोड़ है। एक पंगती नूं कोई छांट के तुहानूं सुणाउंदा है सुचेत रहना है क्योंकि वह पंगती दा अपनी मतलब दा अर्थ भी कर दिंदा है जिवें एक पंगती दा अर्थ कोई कर दिंदे कई पुत्ती गंढ पवै संसार एक पंगती पढ़ ली एक पंगती पढ़ के अर्थ की कर देंगे है भाई पुत्रां दे राही संसार नाल संबंध बनता है अनर्थ करता यह अर्थ है कली पंगती का अर्थ तो यही लगू पर जो कली पंगती का अर्थ पढ़ के सुनाता लो जी नाल दी ना कच्चे प्रचार करने धियां वालों तो यह करलाता भी है तो गुरबाणी ने भी मन भी पुत्तां राही संबंध बनते संसार नाल धियां नाल तो बनते ही नहीं है ऐ जी लगू ना लो जी फिर गलत अर्थ करता गलत अर्थ करता तो यह भजन अर्थ शुरू होगी भी कुछ सेव लगी किसी बाबे तो कुछ कुछ करिए कोई ना कोई है तो पुत तो बाणी भी कहती है जरूरी है भाई भी है फिर दुनिया गलत करता ना हम इतने गल ही नहीं उत्थे भाव के प्रकरण पढ़ना पैंदा है पिछों तो प्रकरण पढ़ो कैहा कंचन तुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार गोरी सेती तुटै पतार पुत्ती गंढ पवै संसार भाव के उत्थे उदाहरण दे के गल समझाई है भी जिवें कोई कंचन का कह का भांडा टुट जाता है कैहा कंचन तुटै सार सार लोहे नूं कहिंदे है भी जिवें लोहे का कह का कोई भांडा टुट जाता है ना अग्नि गंढ पाए लोहार की करता है फिर वह कोई जाने कि अग दे नाल कोई टंका ला दिंदा है वो टुकड़े जुड़ जाते हैं गोरी सेती तुटै पतार इसे तरह पति पत्नी की किसी तरह किसी कारण अणबण हो गई टुट गई पुत्ती का अर्थ है तो औलाद जिदे पुत धियां सारे आ गए की करते फिर औलाद कई बार माता पिता की हुई अणबण में टंका ला दिंदी है औलाद कई बार अपने माता पिता इकट्ठे कर देंदी है कई बीबिया कहें बीबी कोई कहता है भी बच्चों पर तरस कर चल तू मड़ी छड़ दे क्यों जवाक रोलदी है कोई भाई कहता है माड़ी मोटी गल करी रही है क्यों बच्चे रोलद जो मान लो भैन को बच्चे है वह बच्चे कहें मम्मी डैडी कितने है डैडी को चले गए ज भाई को बच्चे कहता डैडी मम्मी कितने है मम्मी को चले गए इदा कह भाव कई बार पुत धियां मापिया की अणबण में टांका ला देंगे है उत्थे संसार नाल संबंध बनने का कोई प्रकरण ही नहीं चल रहा पुत्ती गंढ पवै संसार संसार दे विच दुनिया दे विच कई बार औलाद अपने मापिया की अणबण में टुटी हुई टांका ला देंगे है भाव अर्थ हुंदा है
चलो रहो बचा उथे नहीं भी उथे कोई पुत्तां नूं मानता दित्ती है जां कोई इदां दा उपकरण चल रहा ना। पूता माता की आसीस निमखना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। हूँ इतने भी कई अर्थ गलत कर जाते हैं। अखरी अर्थ की है पूता माता की आसीस, पुत्र नूं मां दी आसीस है। हूँ जे भाव अर्थ ना समझिए इतने भी जानी कि कई फिक्र पै जाता है भी गुरबाणी में तो पुत्र नूं आसीस दित्ती हुई है, धीन तो दित्ती नहीं। आई लगो ये तो नहीं अर्थ होंगे बाणी के। पूता पुत्र कौन है? गुरु के पुत्र की गल चल रही है जी। बाणी च पढ़ो जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जप्यो हर निस्तारिया। तीजा नुकता बाणी समझना रोट करो हूँ। गुरबाणी के अर्थ गुरबाणी में समझने होंगे, गुर की बाणी गुरते जाती। हूँ पुत्र कौन है? गुरबाणी का अर्थ गुरबाणी चो समझो, गुरसिख गुरु के पुत्र होंगे है। गुरसिख लफ्ज़ है जिहड़ा इसत्री पुरश वास्ते साझा है, जिमें खालसा लफ्ज़ है। भैन भी खालसा, भाई भी खालसा। खालसा लफ्ज़ का इसत्री लिंग नहीं होंदा, गुरसिख लफ्ज़ का इसत्री लिंग नहीं होंदा। ये गल समझनी है। सो गुरसिख भाव के शरीर करके चाहे मेल है चाहे फीमेल है, गुरु के पुत होंगे गुरसिख ने। जो गुरु की दृष्टि के मेल फीमेल नहीं होंदा, याद रखियो। गुरसिख गुरु के पुत होंगे ने, गुरसिख गुरु के पुत होंगे ने। किहड़े? नादी पुत्र। भैणा भी गुरु के पुत्र ने, एक बाणी का ज्ञान है। भाई भी गुरु के पुत्र है। दास ने कोई अतकथनी नहीं की, भैणा खुश करने वास्ते जानी कि कोई मैं अपने कोलों गल नहीं बनाई। कई बार इदा भी होंदा ना। ये गुरबाणी का यथार्थ ज्ञान है कि गुरसिख गुरु के पुत्र होंगे है सारे गुरस जो भी गुरु की सिक्ख्या चलते है। तो जिहड़े गुरसिख होंगे गुरु के नादी पुत्र होंगे, गुरु के ज्ञान चो पैदा होए। गुरु की एक तो बिंदी औलाद होंगी है, माता पिता तो पैदा हुई। एक गुरु के ज्ञान विचों पैदा हुई नादी औलाद होंगी है। गुरसिख गुरु के नादी पुत्र होंगे ने। तो फिर ये गुरसिख पुत्रां नूं गुरु मां की आशीर्वाद है। गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी गुरु मां भी है, गुरु पिता भी है। इत्थे गुरु जी की है मां रूप दे विच सिख रूपी बच्चा नूं आशीर्वाद दे रहे है। तुहानूं परमात्मा ना भुल्ले, बोलो सतनाम। उत्थे दुनियावी तां गल ही नहीं कोई, उत्थे दुनियावी तां कोई गल ही नहीं। गुरु मां दी सिख रूपी बच्चा नूं बार बार याद रखियो, आशीर्वाद है कि तुहानूं परमात्मा ना भुल्ले। निमखना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जिमें इतिहास भी पढ़ते हाँ गुरु नानक बाबा जी जिथे भी जाते उत्थे आशीर्वाद की देंगे, भाई करतार चितावे। बहुत वड्डी आशीर्वाद है, भाई करतार चितावे, गुरु की यह आशीर्वाद है। चलो रहो विचार। इदा आप समझ रहे तीन नुकत्या तक अपनी गल समझ आ गई कि पहला नुकता सी अपना गुरबाणी का भाषा में है, भाव अर्थ समझना जरूरी है। दूजा नुकता सी अपना कि गुरबाणी ये नहीं भी एक पंगती छांट के अर्थ कर दिता, जिमें कई पढ़ लेंगे है कि तेल लै मुकर पाही, कहिंदे कोई किसी तो लेके मुकर जा करे, दुकानदार तो चीज़ लेके, तो उन्हें महीने के मां लई गया महीने बाद बिल मंगया। उन पंगती पढ़ के सुनाती कि तेल लै मुकर पाही। वो दुकानदार भी अगे जानकार सीगा, पर उन्हें की अर्थ कढ़िया, कहिंदा मैं कल्ला थोड़ा मुकर रहा। तो बाणी च भी लिखे किन्ने लैके मुकर जाते हैं, मैं मुकर गया तो की हो गया कि नहीं मुकर जाते लैके कि तेल लै मुकर पाही लिखे। वह दुकानदार भी बाणी का जानकार से, वह कहता भी मुकरन वाले गाह वाली पंगती पढ़ ला, भी उन्होंने लिखा की है केते मूर्ख किन्ने मूर्ख आई खाई जाते हैं। उन्होंने मूर्ख भी कहा ना, लै लै मुकर लै आई खाई जाते हैं। वह दुकानदार कहता गाह वाली पंगती भी पढ़ ला, मैं भी जानता जपजी साहब। वो मुकरन वाला कहता गाह वाली पंगती तू पढ़ लिया, फिर मैनू कहता सारे जपजी साहब का ठेका लिया। होर हूँ कली पंक्ति ने वधिया काम चली जाए, हूँ मैं गाह वाली पंक्ति तो की लैना दस। होर हूँ एक पंक्ति पढ़ ली थोड़ी हम बाणी की केते लै लै मुकर पाही। होर इदा कह भाव ये भी चलता, कई देखे मैं जाने के शराबा कबाबा वाले कही भी छड़ दो भाई लिखो तो है जी खाना पीना पवित्र है, जितों तो पवित्र ही है जी खाना पीना लो। आपकी पंक्ति हांडी करते हैं, सच जाओ तुम पढ़ के सुनाते हैं। जे कही भाई उत्थे प्रकरण की है, उत्थे सूतकाले प्रकरण के पंगती
सूतकाले प्रकरण पंक्ति है भी जी भी मान लो घर मालक के हुक्म किसी परिवारक प्राणी की डैथ होगी मौत होगी तो भाई आटा दाला भिट्टियां नहीं गई खाना पीना तो भी पवित्र होंगे घर डेड बॉडी पई हो भी रसोई च प्रशादा बना के छक लो अन्न पानी नहीं भिटिया गया बोलो सतनाम किड्डा वड्डा ज्ञान है किड्डा वड्डा पहला हुंदा ना कोई पुरानी चढ़ाई कर दिंदा कहिंदे गवांढियां दी रसोई च बनाओ हुण इह तां घर सूत का वड़िया इसके तो घर पवित्र हो गया हूँ ओहो पवित्र भी गुरु जी कहते आटा दाला नहीं भिटिया गई नहीं भाई नहीं 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 जेकर सूतक मनी है सब तो सूतक हो सूतकाले प्रकार प्रकरण भावी पंगती है सूतकाले प्रकरण के इदा तो जमन मरना हुक्म है भाणा आपदा जारी इदा कह भाव जन्म होया जा घर मौत हो ही कोई घर पवित्र नहीं हो जाते इदा ही पवित्र पवित्रता नहीं मननी हाँ जी इदा हम इस गल समझ कह भाव प्रकरण की चल रहा है उत्ते सूतक का प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में यह पंक्ति है तो की किया जाने कि वह अपने मतलब ना पंक्ति छांट ली चलो इदा इन्ने प्रमाण काफ़ी है सो ये तीन नुकते आप पहला समझ ले भी गुरबाणी के प्रकरण समझना होंगे एक पंक्ति का ज्यादा अर्थ नहीं होंगे तो तीजा नुकता समझ लिया आप गुरबाणी के अर्थ गुरबाणी में समझने होंगे जिमें पुत्र का अर्थ आप बाणी क्यों समझ लिया माँ का अर्थ बाणी क्यों समझ लिया गुरदेव माता गुरदेव पिता जिमें चरण का अर्थ आप बाणी क्यों समझ लिया ना माई चरण गुर मिठे अखरी अर्थ की बन गया भाई गुरु के चरण बड़े मिठे होंगे है हम बुझो भी वह कि चरण जो मिठे होंगे है गुरु के चरण भाव अर्थ की होया गुरु के वचन बड़े मिठे होंगे है हिरदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल चरण का अर्थ बाणी चो ही लभ गया कि गुरु का शब्द ही गुरु के चरण होंगे है गुरु के किहड़े चरणों नाल जुड़ना है गुरु के उपदेश रूपी चरणों नाल जुड़ना है सथूल पैरों नाल जुड़ के नहीं कोई पार होंदा हिरदे दे विच हड मास दे पैर नहीं वसदे हिरदे दे विच गुरु का उपदेश वसाउणा गुरु के चरणों नाल जुड़ना होंदा है ते गुरु के चरण बड़े मिठे होंगे इदां बाणी दे अर्थ बाणी चो अगला नुकता रहाओ की पंगती किसी भी शब्द का केंद्रीय भाव होंदा है जिहड़े शब्द च रहाओ पंगती आ गई उस शब्द का केंद्रीय भाव है सेंट्रल आइडिया कह लो निचोड़ कह लो सारांश कह लो तो रहाओ की पंगती को ध्यान में रख के जाने के अर्थ होंगे है वह रहाओ की पंगती तो बाहर अर्थ नहीं हो सकता जिमें एक शब्द पढ़ा नाले स्पष्ट हो जू नाले गल समझ आ जू सोरठ महला पंजवा घर दूजा द्रौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुरपूरै कीने दाना सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब थोप उबारे गुर का शब्द विचारे रहाओ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम ते आया आदि पुरख प्रभ पाया हुणे पंजवें पातशाह जी दा शब्द है हुण जे तां इक्को ही पंगती पढ़ ली बहुत इक्को ही पंगती जाणदे आ रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते की अर्थ समझते हैं भी जो श्री अमृतसर साहब रामदास सरोवर है वो नहा लो तो पाप ले जाएंगे यही अर्थ करते हैं ना 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 तो एक पंक्ति का अर्थ करता एक पंक्ति का अर्थ कर दिता ना पहला जो आप समझा सी हूँ ये पांचवें पातशाह का शब्द है देखो पहला पांचवें पातशाह जी का आप जाने कि गुरबाणी में एक दो नुकते होर देव फिर शब्द पर लावे पहले एक दो गल होर कर पैनगियां हुण गुरु अर्जन साहब जी का ही वचन है गुरबाणी विच पाप करे पांचा के वसरे तीर्थ नाए कहे सब उतरे बाहर तमावहे होए निसंक जमपुर बांध खरे कालंक गुरु अर्जन साहब जी तो यह कह रहे हैं बाणी विच भी जिहड़ा ये ख्याल प्रचलित हो गया ना भी शरीरक इशनान करके पाप लै जांदे है इस ख्याल ने दुनिया नूं पट दिता ये ख्याल की दुनिया मारी पई है क्यों क्योंकि फिक्र करन दी लोड़ ही कोई नहीं कहिंदे साल मगरों नहाया ना नहा के बह जाते हैं इस ख्याल नहीं पट्टे दुनिया नूं इसे ख्याल ने दुनिया नूं पापी बनाया आ देखो गुरु साहब की कहिंदे पाप करे पंचा के वसरे कहिंदे पंजा दे वस होया पाप कर्म करदा है पंजा दे काम क्रोध लोभ मोह हंकार पाप करे पंचा के वसरे तीर्थ नहाए कहे सब उतरे कहिंदे किसी तीर्थ ते नहा के कह दिंदा उतर गए उतर गए उतर गए पाप कहावत मानती पुजारी गल फैला दिंदा भी नहा के पाप लै जाते हैं तो गुरु जी कहते बस नहा के कह दिया उतर गए लह गए भाई लह गए भाई पवित्र हो गए तीर्थ नहाए कहे सब उतरे फिर अगे लिखो
अगे की लिखा है बाहर कमावे हैं होए निशंक, कहते हैं ना कि आके ना निशंक का मतलब शंका ला के बेफिक्र होके फिर बुरे काम कर दे। क्यों फिक्र कहता रह गया पहला लह गए साल मगरों फिर ना आवेंगे। पटती दुनिया से बोलो बाणी का फैसला, पटती दुनिया से ख्याल ने पटती दुनिया, इसे ख्याल ने दुनिया पट्टी हुई है भी ना के पाप लै जाते हैं। इस ख्याल ने दुनिया को पट दत्ता, याद रखियो अति हानिकारक ख्याल है कि ना के पाप लै जाते हैं, सीट के स्नान करके पाप लै जाते हैं। इस ख्याल ने पटता किमें पट्टया, गुरु जी कहते बहुत कमावे हुए निशंक फिर शंका ला के बेफिक्र होके फिर कर लग जाए आके जमपुर बांध खरे कलंक। बस इसे जाने कि भुलेखे जमा की पूरी दे पकड़िया रहा है, बुरे काम करते हाँ गम चिंता फिक्र बस इस भुलेखे भी वह तो पहला ने तो लह गए। सो सिद्ध होया जी गुरु जी तो यह कहें भाई इस ख्याल ने दुनिया को पापी बनाता, फिर गुरु के बचना के विरोधाभास कितने होंदा नहीं, अंतर विरोध कह लो होर लै लो, फिर आप शब्द वाल आवेंगे। थोड़ा अज थोड़ा क समा ज़्यादा लग जाना है, कोई संगत में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं। चलो तो हम पहला सुखमनी साहब एक पता पढ़ो वो आप अर्थ समझा फिर अगे तुरंगे फिर शब्द ही समझ आओ। लो जी जे पढ़ते रहते बाणी वो नाल साथ दे। मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्व कमाण ना मन पे हुट्टै सोच करै दिन हर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कम होना देख्या टरै जल तो वै बहु दे अनीत शुद्ध कहाँ होए साची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच। अर्थ समझो गुरु अर्जन साहब जी कहें जिहड़े कहिंदे आ ना बाहरले तीर्थां ते ना के पाप लै जांदे आ, कहिंदे तुसीं अपने मनपसंद तीर्थ दे किनारे उत्ते जाके रहण लग पो। मन कामना दा अर्थ जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा, ना नहीं लिया गुरु साहब ने कितें भी, क्योंकि गुरु का वचन आपां पहलां वारी वारी समझ लिया सारिआं वास्ते हुंदा सर्ब सांझा हुंदा। जिहड़ा तुहाडे मन नूं चंगा लगदा तुसीं अपने मनपसंद तीर्थ दे किनारे ते जाके, गुरु जी कहिंदे घर ही पालो ना, कदे कदे कहिंदे नहाउण जांदे भाई घर ही पालो ना, उत्थे घर पा लो उत्थे। तो गुरु जी कहते तुहाडी मौत तुहाडे मनपसंद तीर्थ के किनारे ते हो जाए खैड़ा तां भी नहीं छुटना, खैड़ा तां भी नहीं छुटता। मन कामना तीर्थ दे छुट्टै तुहाडे मनपसंद तीर्थ के किनारे ते तुहाडी देह छुट जाए, छुट जाए गर्व गमाण ना मन ते हुट्टै, गर्व गमाण मन तो तां भी नहीं हुट्टिया। इस करके अर्थ की किया असी खैड़ा छुटता नहीं, क्यों क्योंकि मन ते हंकार हुट्टिया नहीं, खैड़ा छुट्टिया नहीं, क्यों हों विच आया हों विच गया हों विच दिता हों विच हों जांदी नहीं खैड़ा छुटता नहीं। इस करके सिद्ध हो गया भी देह तां तीर्थ दे किनारे ते छुट गई पर खैड़ा तां नहीं छुट्टिया, खैड़ा नहीं छुट्टिया। कहते कहो भी खैड़ा छुट गया होगा, ना 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 ना। मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्व कमाणा मन ते हुट्टै सोच करै दिन सर रात, अपने मन पसंद तीर्थ के किनारे ते रहन लग पो। तुसी दिन रात ही नहाउंदे रहो, कदे कदे कहनू आना, गुरु जी कहिंदे विच ही बैठे रहो ना। सीधे अर्थ में सौखी बहाच कर रहे बाणी दे, विच ही बैठे रहो पाणी दे, कहनू बाहर निकलना। सोच दा अर्थ हुंदा इशनान, वख वख थावां ते वख वख अर्थ हुंदे आ, कितें सोच दा अर्थ हुंदा सोच विचार। की लिखे बाणी च सोच करै दिन सार रात, दिन रात तीर्थ दे पानी विच नहाउंदा रहे। तीर्थ दे पानी विच नहाउण दी गल है, आम पानी च नहीं, ओके ओ भी किहड़ा तीर्थ जिहड़ा तुहाडा मन पसंद है। दिन रात नहाउंदा रहे, सोच करै दिन सार रात मन की मैल ना तन ते जात, कहिंदे मन दी मैल तां भी नहीं जांदी, शरीर दिन रात ही तीर्थ दे पानी च बैठा रहे, मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बहु साधना करे। फिर गुरु जी कहते कले इशनान की गल नहीं भाई, भावें कोई साधना कर लवे, साधना की होंगे योगियों वाली साधना सीखनिया पैदा, सीधा तो कोई कर नहीं सकता, कि नेती धोती कपाली सौखा समझ लो। चलो कई इन्ना भी ना हो सकता ना समझ आया हो गुरु जी भाव ये कहें ने इस पंक्ति भी भावें तू तीर्थ के पानी नासा धोनिया सीख ला, भी इधर पानी खिंच के इधर कटना इधरों खिंच के इधर कटना सीखना पा, नहीं तो अगे जा सकता लाइन के सीखना, चल तू सीख ला, सीख लिया ना कहते तू नासा भी धो सीख ला, कला इशनान ही करना नासा भी धो लिया कर।
नासा जी तो सिखला तू फिर कहते ये भी सिखला तू भी तीकस के पानी च कपड़ा भ्यों के मूँह था ही अंदर निकल लिया अंदर अंदर फिर श्वास की किरिया के न अंदर घुमा के बहर कढ़न सीख ला ये योगी वाली क्रम है कहते चल तू यी कर ला भावें तू भाव गुरु जी कहते तू तीर्थ के पानी नासा के अंतड़िया धोन सीख ला मन तो भी नहीं साफ होंगे कले इनान करके कहना तू नासा के अंतड़िया धोला तो की मन धोता जाओ बोलो सतनाम कर ला जी अच्छा कले इनान की गल करते गुरु संघ नासा भी धोला तीर्थ के पानी अंतड़िया भी धोला सीख ला करना साधनावा योगियां वालियां मन तो ता भी नहीं मिल जाती इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू ना विख्या करे मन तो विषय विकारां दी जहर नहीं लैंदी भावें तू योगियां वालियां साधनावा कर ला मन ते कबहू ना विख्या करे जल धोवै बहु दे अनीत अनीत का भाव हुंदा है नित ना रहन वाली भाव नाशवान यह नाशवान देही नूं जिन्ना मर्जी धोई चल तू जिन्ना मर्जी धोई चल जल धोवै बहु दे अनीत शुद्ध कहां होए काची भीत कच्ची कंध ने की शुद्ध हो जाना शुद्ध कहां होए काची भीत मन संबोधन करके कहा मन हर के नाम की महिमा उच हे मन परमात्मा दे नाम की महिमा उची है नानक रोके बोलना नानक भाव गुरु नानक बाबा जी पांचवें सूख से वचन कह रहे हैं ये काम छाप आ गई ना रुक के बोलो नानक नाम उधरे बहुत पतत बहमूच नाम मैनु हारी है नाम द्वारा अनेक पापियां का उधार होया ना कि किसी का नहीं होया दसदा ना वाणी का फैसला है ना हुण 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 राम का सरूप रौला पावांगे कि गुरु साहब तो यह कह रहे हैं कि तुम दिन रात पानी च बैठे रहो कले शरीर करके नहीं नासा भी धोवा अंतरिया भी धोवो ता भी नहीं मन तो मैल रही फिर गुरु के बचना के विरोधाभास हो सकता है इस करके गल समझो ता इस करके हुण ये बाहर ले जाने के नहाउण नूं कट दिता गुरमत ने हाँ एक गल होर याद रखियो यद अर्थ यह नहीं भी सरोवर च इनान नहीं करना कर सकते हो किस भावना च कि असी एक हाँ असी छूत छात ऊंच नीच पिटल नूं मानदे नहीं असी सारे एक पानी विच इनान कर लेंदे हाँ एकता भावना नाल इनान कर लिया कोई गल नहीं बोलो सतनाम हर गल नूं समझना है पर यह ना समझ लेना भी इनान करके पाप लै गए एक हर गल का भाव होंगे ना जिमें जिहड़ी चीज जिहड़े काम वास्ते बनी वरतों करो जिमें पानी है पानी शरीर की सफाई भी करता है तो पीने वाला पानी पी लईए तो प्यास भी बुझाता है गुरु बाबा जी कहते पानी चित ना धुप्पी मुख पीता तिख जाए गुरु बाबा जी कहते जिहड़ी चीज जिहड़ा गुणा तो आपां मन नहीं हुंदा कि पानी पी लईए प्यास बुझ जाती है प्यास लगी पर लिखे पानी चित ना धुप्पी कहते पानी तेरे अंदर की मैल नहीं धोंदा जे प्यास लगी है पानी पी ला पानी प्यास बुझाउंदा है पानी प्यास बुझाउंदा है पानी शरीर का इनान भी कराउंदा है पर पानी चित नहीं धोंदा दुबारे पंक्ति याद करो जी पानी चित ना धोपई मुख पीता तिख जाए ठीक है जो गुण है प्यास लगी है प्यास तो शरीर की बुझाऊ पर चित की मैल नहीं पानी धोंदा ना जी ना 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 इस करके तन का इनान पानी ना होंदा ते मन का इनान पानी ना होंदा तो गुरबाणी सुन के इनान करना ही तीर्थ इनान है आप हम तीर्थ इनान कर रहे हाँ होर प्रमाण ले लो सतगुर है अमृतसर साचा मन नहावै मैल चुका बणिया सतगुर ही अमृत का सच्चा सरोवर है गुरु की हजूरी च बैठ के गुरु का ज्ञान सुनना फिर मन इतने आके इनान करता है मन नहावै मैल चुका बणिया गुरु के तीर्थ से आके मन इनान करता है तो अपने अंदर की मैल कढ लैंदा है पंक्ति द्वारा याद कर सकते हो सतगुर है अमृतसर साचा मन नहावै मैल चुका बणिया सतगुर पुरख अमृत सर बड़भागी नहावे आए सतगुर ही अमृत का सरोवर है बड़े भागा वाले आके नहाते हैं गुरु की हजूरी चाह नहा रहे हाँ इन्ने प्रमाण तो बहुत हो गए ना एक भी देखो अभी गल बाणी तो बाहर की तुम दस सकते हो पर स्रोत्या के जाने के कदे कोई शंका रहा नहीं असल मेरे तो फतवे वह लाते जो सुनते हैं फतवे मेरे तो बहुत लगते हैं पर लाते वो ने जो सुनते हैं जिन्हें बाणी का ज्ञान सुन लिया वह तो असं तो अपनी गल कदम की नहीं तो गुरु को बुलाने बार बार अपना तो अभी कोई फैसला दत्ती नहीं दिता दसो इस करके हम इन गलों असी गुरबाणी के समझदा तीर्थ की समझ आ गई तीर्थ गुरु है सरोवर है जोड़ा यह समूह इशनान का साधन है एकता भाव है एकता भाव है पर गुरु की बाणी ज्ञान ध्यान ला के सुनोंगे तो सा जीवन महान बनता है होर प्रमाण ले लो जल मल काया मांझी है भाई धी मैला तन
होए ज्ञान महारस नहाइए भाई मन तन निर्मल होए भाई ज्ञान का इनान करया करो फिर मन भी निर्मल हो जाता जो मन निर्मल हो गया तन निर्मल हो गया निर्मल दर्द पवित्र भी शरीरक इनान करके शरीर पवित्र नहीं हों मन ने तक पवित्र हो जाना है शरीरक इनान करके शरीर की सफाई हो जाती है पवित्र नहीं हों फैसला गुरु बाबा जी तो सोचे ही ना आखी है बहन जी पिंडा सोचे सही जिन मन वसया पवित्रता हो जी मन चो परमात्मा बस गया पवित्रता होंगे ना आके थोड़ा पवित्र हो जाए कोई ये तो सफाई है मिट्टी कट्टा लह गया जी गर्मी है मुड़का आया सफाई होगी ना सुस्ती भी चलो लह जाती है ना आके अपना थोड़ा अलर्ट जे हो जाए सुचेत हो जाए मैं हम दो बार ना हों सुभा हो सुस्ती जी नहीं पैंती हूँ आवा भी ना कहीं तड़के ये वक्री गल है इदा असं नुकत्या समझना है इनान करना कोई माड़ी गल नहीं गल बारी बार समझ लो पर हर गल के सिद्धांत को समझना होंगे कि जे ज्ञान का इनान करा पवित्र असं तो होना ज्ञान महारस नहाइए भाई मन तो निर्मल होए चलो इन्हें गल मेरा ख्याल इन्हें नुकत्या तो सानू समझ आ गई कि गुरु तीर्थ है तो गुरबाणी ध्यान ला के सुनना तीर्थ इनान है गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सच तीर्थ मजना बारी बारी तो बोलिया कुछ तुम याद रह जाए तो आओ हूँ शब्द की विचार वाल आ जाओ हाँ जी रामदास सरोवर नहाते सब उत्तरे पाप कमाते फिर करांगे अर्थ पहला रहाओ की पंक्ति वाल जाओ जी आओ रहाओ की पंक्ति पढ़ते ध्यान करो सब कुशल खेम प्रभ धारे सही सलामत सब थोप उवारे गुर का शब्द विचारे रहाओ रहाओ की आ रहा है जी आप एक बार इशारा ले लवेंगे बस उस अर्थ तो आप पहली पंक्ति शुरू करा ना पहला रहाओ तो थोड़ा इशारा ले लो ना कि आ रहा है जी गुर का शब्द विचारे गुरु के शब्द की विचार की गल चल रही है हुण तुसीं दसो भी गुरु के शब्द की विचार किहड़े सरोवर च हुंदी है भावें शब्द विच उस सरोवर की गल की हुई है जिस सरोवर के गुरु का शब्द विचारिया जाता है दसो भाई संगते हाँ भैन जी ने ठीक जवाब दिता वो केड़ा सरोवर है जिथे गुरु के शब्द की विचार होंगी है वह है सतसंग सरोवर बोलो सतनाम यह सतसंग सरोवर की गल चल रही है रहाओ की पंक्ति को लै लिया ना इशारा आ सतसंग सरोवर की गल चल रही है दो जी इशारा मिल गया हूँ पहली पंक्ति तत् शुरू करो रामदास सरोवर नहाते जदों गुरु के प्यारे कट्ठे होके सरवर कट्ठे होना जो गुरु के प्यारे गुरु की हजूरी में कट्ठे होके गुरु के ज्ञान का इनान किया रामदास रामदास एक चौथे पातशाह जी का पवित्र नाम है शुभ नाम है रामदास पर इतने सस्से नौकर नहीं लगी इतने रामदास बहुवचन है फिर रामदास होर कौन होंगे है आओ बाणी तो पूछी बाणी दस बाणी जो करो सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास जिहड़े गुरु दे प्यारे निर्लेप गति च रहिंदे आ सारयां दे नाल ही रहिंदे ने सगल संग आत्म उदास पर अंदरों सुरती करके निर्लेप रहिंदे आ पकड़ नहीं रखदे उह की हुंदे ने उह रामदास हुंदे आ उह परमात्मा दे दास उह हुंदे आ जिहड़े सारयां दे नाल रहिंदे होए सुरत करके उपर रहिंदे आ सिद्ध हो गया जी बाणी दे विच्चों इदां भाव गुरु दे प्यारे उह भैण भरा कोई है गुरु दे प्यारे हुण गुरु के प्यारे गुरु की हजूरी में इकट्ठे होए तो ज्ञान का इनान किया रामदास सरोवर नहाते जो सतसंग जी गुरु हजूरी इकट्ठे हो गए यह की बन गया जी रामदास सरोवर बन गया तो गुरु के ज्ञान का इनान पहला समझी दे दोबारा बोलते हैं गुर ज्ञान मजन अपरंपरा गुरु के ज्ञान का इनान ही सारे तो वड्डा इनान है श्रेष्ठ इनान है इनान इतने किहदा किहड़ा किया गुरु के ज्ञान का इनान रामदास सरोवर नहाते गुरु के प्यारे गुरु की हजूरी इकट्ठे होके गुरु के ज्ञान के इशनान गुरु के ज्ञान नाल इशनान किया नहाते फिर की होया जी सब उत्तरे पाप कमाते सारे कमाए पाप उत्तर गए कमाए पाप किहड़े हुंदे आ जी जो भी आपां कोई बुराई करते हैं उहदा बुरा संस्कार अपने अंदर रिकॉर्ड हो जाता है वह जमा पूंजी हुंदी है जदों गुरु का ज्ञान ध्यान ला के सुनते हाँ गुरु की बाणी का ज्ञान भैड़े संस्कारां दी मैल कढ दिंदा है भैड़े संस्कार खत्म हो गए बुराइयां तो नफरत हो गई पाप कामां चों सू आउण लग गई माड़ा काम कहनू जी नहीं करता हुण क्यों क्योंकि पाप धोते गए माड़े संस्कार ही खत्म हो गए हुण माड़ा काम की नहीं करना जी अंदर कमाए हुए पाप अंदर जमा है जमा संस्कार कहिंदे जमा पूंजी फिर पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पासारा
पापी नूं पाप प्यारा लगता है, गुरु की गुरु के ज्ञान ने पाप ही धोते, माड़े संस्कार ही धोते, सारे संस्कार धो दते, भैड़े संस्कार धोते गए तो मन पाप धोते गए, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना, इदा गुरु की हजूरी च गुरु के ज्ञान का इशनान करके पवित्र हो गए। निर्मल तक हों पवित्र, पहले समझ लिया ना शरीरक इशनान करके पवित्र नहीं होंगे, सुचे ना आखिया बैठ जी पिंडा धोए, निर्मल तो सुचे पवित्र हो जाना गुरु के ज्ञान राही असी पवित्र हो गए। निर्मल होए कर इशनाना गुरपूरा कीने दाना, ये पूरे गुरु ने बख्शिश की, दाना कहने बख्शिश न, ये पूरे गुरु जी ने बख्शिश की कि गुरु के ज्ञान का इशनान करके असी पवित्र हो गए। निर्मल होए कर इशनाना गुरपूरा कीने दाना, सब कौशल खेम प्रभ धारे, सही सलामत सब थोप उवारे, गुर का शब्द विचारे रहाओ। रहाओ की पंक्ति पहले ध्यान च आ गई सी ना, जदों असी गुरु के शब्द की विचार की तो की होया जी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई सानू, तो सारे साडे खजाने बच गए। सही सलामत सब थोप उवारे, क्योंकि नहीं तो औगणा ने साडे गुणा नू खा जाना सी। इस देही अंदर पंच चोर वस हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लुट हैं कोई ना बूझे, अमृत लुट हैं मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। नहीं तो साढ़े ये गुणा अंदरले अवगुणा नहीं खा जाना सीगा। अमृत लुटे का भाव ये साढ़े गुणा लुटते है, इतने अमृत का अर्थ है गुण। यह भी दसना पैंदा है बाणी समझण वास्ते, एक लफ्ज के कई अर्थ होंगे ने पर करण के मुताबिक एको ही अर्थ होंगे। आ एक नुकता हो रहा गया बाणी समझण का, एक लफ्ज के कई अर्थ होंगे ने पर प्रकरण के मुताबिक एक थान के उत्ते एको ही अर्थ होंगे। जिमें पशु मिले चंगियाइया खड़ खावे अमृत दे, लफ्ज की आ गया अमृत, प्रकरण का अर्थ की बन गया जी दुध। इतने प्रकरण मुताबिक अर्थ दुध है, भाव मनुख न होना दिता है भी बंदा तेरे ना पशु चंगे है, जे तू बुरे काम करता है ना तेरे पशु चंगे है, जेडे खड़ भाव के घा पट्ठा खा के दुध देंगे, खड़ खा भी अम इतने अमृत का एक ही है दुध, दूजा अर्थ नहीं हो सकता। सुखमनी साहब पढ़ो, जिहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, ते ठाकर कहो इतने अर्थ की बन गया अमृत का खाने, शक्ति अमृत का भाव शक्ति प्रकार के खाने, प्रकार मुताबिक अर्थ की बन गए जी इतने खाने। तीजा अर्थ कितने हम आप पढ़ लिया, जिम्मे अमृत लुट है भाव साढ़े गुणा लुटते हैं, कितने अमृत का अर्थ आत्मक जीवन देन वाला नाम, अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई, कितने आत्मक जीवन देने वाली बाणी, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। चलो इदा कहण दा भाव एक लफ्ज का एक अर्थ नहीं हुंदा, तुसीं सोचो भी अमृत लफ्ज आ गए कोई अर्थ है नहीं जी, किसी भी लफ्ज का अर्थ प्रकरण के मुताबिक होंदा, उत्थे गल की चल रही है। चलो विषय वाल आईए हुण, इदा नहीं तो यह बकारा ने साढ़े गुण लुट लेने सीगे, गुण साडा खजाना है लुटे जाने सी, पर गुरु के शब्द की विचार की सतसंग सरोवर के असी अपने सारे खजाने बचा ले, कोई भी औगण हूँ सानू लुट नहीं सकता। सही सलामत सब थोप वारे, गुर का शब्द विचारे, तो बख्शिश कि वड्डी होगी। फिर परमात्मा जी ने साढ़े अंदर सुख शांति टका दिता, मालक ने अंदर धरता, अंदर भी हाल है दिता, सब कौशल खेम प्रभ प्रभ भबे नुशहारी, प्रभु ने प्रभु ने साढ़े अंदर सुख शांति टका दिता। क्यों? क्योंकि जो कोई पूरा ध्यान ला के रब्बी बाणी को सुनता है परमात्मा जी, उन्होंने खुशी बहुत ज्यादा होंगे है। लिखे ना साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग का भाव जो आप ध्यान ला के साधु सतगुर की बाणी सुनते हाँ, उत्तम श्लोक साध के वचन उमलीक लाल ए रतन, जो ध्यान ला के बाणी सुनते हैं साध संग हो गया ना, तो जेडे साध संग करते हैं गुरु नानक बाबा जी पांचवें सरूप के लिख रहे हैं सुखमनी साहब के, साध संग नानक प्रभ सौ प्रसन्न, कहिंदे परमात्मा अति प्रसन्न हुंदा है, रब बड़ा खुश हुंदा है जो कोई रब्बी बाणी ध्यान ला के सुनता है। ये फैसले बाणी दे है, बड़ा खुश हुंदा है, इस करके इदा परमात्मा की खुशी तो साढ़े अंदर फिर सुख शांति आ जाता है। यह सतसंग सरोवर की महिमा, सारा जाने के अंदर का सुख शांति परमात्मा ने साढ़े अंदर धर दिता, टका दिता, साढ़े अंदर रखता मालक ने, सुख भी हाल है तेन दिता। सब कौशल खेम प्रभ धारे, कदों सही सलामत सब थोको वारे, गुरका शब्द विचारे रहाओ, साध संग मन लाथी
ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਥੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਲ ਲਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਲਏਗੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀ ਹੈ ਦੂਰ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਗਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਆਦਿ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਲੈ ਗਏ, ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਟਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਇ ਭਾ ਚੜੀ ਅਸ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਿਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣ ਨਹਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ, ਓਵੰਗ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ, ਭਾਵ ਸਤਸੰਗੀਓ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸਾਧੋ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਵਚਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ, ਕੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜਾਣ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਟੋਕੀਜੈ, ਜੇ ਆਤਮਕੋ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਤ ਲੋੜ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ, ਸੰਤ ਹੋ ਭਾਵ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗੀਓ ਸੁਣੋ, ਸੰਤ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹੇ ਘਰ ਬਾਰ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਆਓ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਤ, ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸਭ ਦੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਲਪ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਤਰਕ ਕੀ ਨਾਈ ਤ੍ਰਿਖਾਣਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਅਰਥ ਆਪੇ ਹੀ, ਹਉ ਭੋਲੀ ਜੀਉ ਭੋਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਲੋ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦੇਹ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਨਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ
चानण कर्म बस है वो बाणी का अर्थ बाणी खोली जाती है। चानण बाणी ने करना दे नहीं करना जिदी जिदी सुर से बाणी वासी उन्होंने संत मिल गया। चलो इदा गुरबाणी के अर्थ गुरबाणी विचों ही समझने है। सो ये आपां कुछ नुकतें तेरी गल की है समाप्ति वाल हम चलिए दोहरा देव नचोड़ गुरबाणी का भाषा विच है भाव अर्थ समझना ती जरूरी है। दूसरा नुकता गुरबाणी की एक पंक्ति का आजाद अर्थ अनर्थ होंदा है पूरा प्रकरण समझना होंदा है। तीसरा नुकता गुरबाणी का हर अर्थ अपने ते लाउणा होंदा है नानक सच्चे नाम मिल क्या टेका क्या तग आपां समझ लिया सी प्रथाए साखी ते गुरबाणी शब्द रहाओ है जिहड़ा रहाओ की पंक्ति केंद्रीय भाव होंदा है रहाओ की पंक्ति नूं ध्यान विच रख के ही शब्द का पूरा आसा समझ विच आ सकता है। तो अगली आपां गल समझी गुरु की बाणी के अर्थ गुरबाणी विचों ही समझने है। तो एक नुकता लगा मात्रा राही भी गुरबाणी का ज्ञान समझ आता है। एक संखेप कह दें जिमें एक दो लफ्ज कह दें जिमें फजकुर विच लफ्ज है बावी नुशारी चचे नूं औंकड़ इहदा की अर्थ बन गया विचोला एक वचन नाव जी विच दे चचे नूं हुशियारी इहदा तां फिर संबंधक विच दुनिया सेव कमाई है विच दुनिया दुनिया दे विच संबंधक समझ गए ना आप जी संबंधक जिमें कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत उत्थे विच दे चचे नूं हुशियारी है डेफिनेटली है हुण देख लो उचारण विच ही है एक विच दा अर्थ हुंदा विच समझ गए ना संबंधक विच बाणी अमृत सारे एक आ जानी कि विचोला बिचना कोई कर सकता जिस तेह रोवे रोज ये तो बुरे काम करना तेरा बचोला किसी ने नहीं बढ़ना कि रोई जाना अनकाई रात लिया बाट दो हेली राम पाप खमाम दें तेरा कोई ना वेली राम का भाव आ गया ना एक जानी कि लग मात्र तो फर्क पै गया हम कोट टैंक हुशियारी है करोड़ टैंक नौकड़ा पटेला जे टैंका मुकता है तो केले बहुवचन बोलना कोट ही है कोट कक्के नौकड़ टैंक हुशियारी कक्के होड़ा टैंक नौकड़ तो कक्के नूं होड़ा टैंका मुकता ये तीन लफ्ज पर अर्थ जिहड़े वक्खरे वक्खरे है। कामण जे तां नाणी नूं हुशियारी लागी इस्तरी जे कामण दे नाणी नूं औंकड़ लागी तां टूणा किसे दी गल टूणा। चलो इदां गुरबाणी लगा मात्रां दे नाल भी गुरबाणी दे भाव अर्थ समझ विच आउंदे है। जिहनूं औंकड़ ते हुशियारी दा ज्ञान नहीं उह गुरबाणी दे सही ज्ञान नूं प्राप्त नहीं कर सकदा। एक गल होर बोलण की ट्यूनिंग दे विच भी अर्थ का फर्क पै जांदा है टोन विच भी अर्थ है जिवें एती मार पई कुरला ने तैंखी दर्द ना आया सीधा लैच पढ़ के तां इह शुद्ध अर्थ हो गया भी इन्नी मार पई तैनूं दर्द नहीं आया क्यों क्योंकि जरवाणा जवाइयां लड़ रहा है ते जे उछाल के पढ़ता एती मार पई कुरला ने तैं की दर्द ना आया कि तेनों दर्द नहीं आया नहीं नहीं ये की है ये गुरु नानक साहब तो ही जाने के जेडे गलत अर्थ करते हैं वह मालक परमात्मा दे जाने के हुक्म की घाट करवा दी तैं की ते जोर देता तैं लगू कि तेनों दर्द नहीं आया तेन दर्द क्यों नहीं आया ना ये अर्थ नहीं है तो ट्यूनिंग के नाल ही फर्क पै जाता है बोलण की ट्यूनिंग के नाल भी अर्थ का फर्क पैंदा। जिवें एक उदाहरण होर दे दें जे तो हुण आपां हौली बोलांगे खाओ ना तर्थ की बन गया भी ये खाओ ना ठीक नहीं जी ये तो जे माड़ी जी तेज बोलोगे ट्यूनिंग बदल दो खाओ ना भाव की भी खाते क्यों नहीं लाजमी खाओ बोलो सतनाम ट्यूनिंग खाओ ना बोलने के भी अर्थ होंगे ने खाओ ना भी खाते क्यों नहीं खाओ तुम तो जे हौली बोलो खाओ ना भी फिर ना ना खा यही चीज़ ना खाओ ठीक नहीं है लहज उही ने सिर्फ ट्यूनिंग का फर्क है ट्यूनिंग दे विच भी अर्थ होंदे है। चलो उत्थे जिहड़े ट्यूनिंग की ते आ के जाने कि जोर दे दिंदे है उत्थे फिर वह गुरमत फलसफे का अनर्थ कर देंदे है तां की दर्द ना आया की ते जोर देता जाके ना। चलो ये गहरे नुकते है हौली हौली आपां समझ आउणगे गुरु कृपा करे। सो इत्थों तक अज आपां गुरबाणी समझण दे नुकते भी समझे है ते गुरबाणी समझी भी है क्यों पूरे शब्द की विचार भी होगी ना सुखमनी साहब चों विचार होगी पूरे सोठ राग के शब्द की विचार होगी। गुरु कृपा करे सारिया संगतों में गुरु का शब्द समझण की चेतक लग जाए बस भाव यही है छे पौड़ियां आनंद साहब पढ़ समाप्ति।